अस्सलाम वालेकुम। आज अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। अल्डोल जो वर्ड है बेसिकली ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। इसको अगर हम स्प्लिट करें तो ये जो एल्ड है ये रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को, और ये जो ओल है ये रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को। सो द वर्ड अल्डोल इज गिवन टू द प्रोडक्ट विच हैव बोथ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनती है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होता है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन को, इस कंडेंसेशन को अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को पढ़ें तो व्हेन टू एल्डिहाइड आर कीटोन, जब दो एल्डिहाइड या फिर दो कीटोन जिनके पास क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When two aldehyde and ketone having alpha hydrogen react with cold dilute solution of an alkali, then the addition product form that is called aldol. So क्या होता है कि दो एल्डिहाइड या फिर दो कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो कोल्ड डाइल्यूट अल्कली की सोल्यूशन की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अल्डोल। हम आगे रिएक्शन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अल्डोल जो ये जो वर्ड है बेसिकली ये अल्डोल वर्ड रिजर्व है फॉर द रिएक्शन दैट स्टार्ट विद टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप, टू आइडेंटिकल एल्डिहाइड आर कीटोन। यानी कि ये ऐसा रिएक्शन है, ऐसी कंडेंसेशन होगी जिसमें दो सेम एल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे या फिर दो सेम कीटोन रिएक्ट करेंगे, इसके अलावा डिफरेंट नहीं हो सकते, इसलिए इसको अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। अभी ये रिएक्शन देखेंगे तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब अगर हम एल्थानल की बात करें या इसी एल्डिहाइड का नाम लें तो इसमें देखें अल्फा कार्बन पहले पहचानेंगे फिर अल्फा हाइड्रोजन को पहचानेंगे। ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारे पास CH3 है पड़ा, ये जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होती है ना कार्बन, उसको कहते होते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सो इस कार्बन यानी कि ये जो अल्फा कार्बन है हमारे पास, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, हमारे पास तीन हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये जो अल्डोल कंडेंसेशन है वो दे सकता है, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिनके पास क्या हो भला अल्फा हाइड्रोजन हो। सो एसिटाल्डिहाइड हैव अल्फा हाइड्रोजन सो इट कैन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें अगर देखें तो ये एथेनॉल है जो अभी हमने बात की है एसिटाल्डिहाइड, ये दूसरे सेम एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, यानी कि वो जो हमने पढ़ा था कोल्ड डाइल्यूट अल्कली, तो ये अल्कली है NaOH, इसकी मौजूदगी में टू एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं और उससे ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। जरा समझते हैं कैसे बनी है। अब क्या करना है, एक एल्डिहाइड को इस फॉर्म में लिखें और दूसरे को क्या करेंगे, जो इसका मिथाइल ग्रुप होगा उसमें से एक हाइड्रोजन को हम अलग करके लिख दिया, बाकी सेम है। इसमें क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन का जो अल्फा एक सॉरी एसिटाल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो उसने वहां से अपनी जगह छोड़ी और दूसरी जो एसिटाल्डिहाइड है उसका OH यानी कार्बोनाइल का ऑक्सीजन जो था उसके साथ बस यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ पे इस तरह से जुड़ गया और ये वाला हाइड्रोजन तो खत्म हो गया और ये जो कार्बन का वाला बॉन्ड था ये यहाँ पे चला गया और इस तरह से ये क्या हुआ आपस में ये जुड़ के ये बॉन्ड बन। अगर आप इसमें बॉन्ड देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरा क्या है एल्डिहाइड है, ये देखिए जी ये OH है अल्कोहल भी है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड भी है और यहाँ पे अल्कोहल भी है, इस वजह से हम इसको कहते हैं अल्डोल, एल्डिहाइड एंड ओल मीन अल्कोहल, समझ आ गई। अब अगर हम इसका आयोपेक नेम देखें तो आयोपेक नेम के लिए आपको क्या जरूरी होती है कि लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ये लॉन्ग चेन आपकी हो गई, तो एल्डिहाइड क्या है जहां से एल्डिहाइड खत्म हो रही है यानी कि फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वहां से आपने शुरू करना, तो ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, ठीक है जी, ये हमारे पास थ्री कार्बन हो जाएगी और ये हमारे पास क्या हो गई फोर कार्बन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए OH जो है वो कहाँ पे है थ्री पे है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है OH को थ्री हाइड्रोक्सी, थ्री हाइड्रोक्सी, और टोटल कार्बन कितनी है फोर है, तो ब्यूटेन लग गया और क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो इसके एंड पे AL आ गया, तो थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटानल हो गया। आई होप आपको बात समझ आएगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इस आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे।
किस तरह से है कि ये है प्रोपानल, मतलब इसमें क्या है, तीन कार्बन मौजूद है, एक कार्बोनाइल वाली, दूसरी CH2 और यह है CH3। अब यहाँ पे देखें अगर, तो जो अल्फा कार्बन है वो कौन सी होगी, आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन, ये क्या है अल्फा कार्बन। या इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच है? जी सर बिल्कुल, ये हाइड्रोजन अटैच है, दो हैं, इसलिए ये क्या होगी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और ये क्या, कौन सा रिएक्शन देगी, अल्डोल कंडेंसेशन देगी। तो ये देखिए जी, अल्डोल कंडेंसेशन सेम वैसे ही हमने लिखा, एक जो प्रोपानल का मॉलिक्यूल है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, दूसरे का जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको हमने अलग करके थोड़ा सा लिख दिया। याद रखिएगा इस आखिरी वाले को नहीं देखना, अल्फा को देखना, ये अल्फा हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो इसलिए इसको देखा है, तो इसलिए ये जो CH3 है इसको हमने यहाँ पे ये नीचे लिख दिया, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का रोल होगा और कार्बन का रोल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन वही वाली बात, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये मूव कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जुड़ जाएगा, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड था सी, ये इसके कार्बन के साथ, कार्बनाइल वाले के साथ जुड़ जाएगी। तो ये देखिए CH3, ये यहाँ पे CH3, CH2, CH2 सॉरी, एंड देन CH, ये देखिए C है और ये क्या है H, तो ये CH हो गया, और ये ऊपर चल के क्या हो OH बन गया, और ये वाली CH जो है यहाँ पे इसके साथ CH। बाकी देखें ये एज इट इज, ये मॉलिक्यूल पूरा है ना, तो ये देखिए ये पूरे का पूरा एज इट इज लिखा गया। समझ आ रही है? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम जरा आते हैं इसको अगेन पहचानते हैं। ये देखिए जी हमारे पास ये एल्डिहाइड हो गया ग्रुप, ये क्या हो गया OH यानी कि अल्कोहल हो गया, इसी वजह से इसे हम अल्डोल कहते हैं। और अगर आप इसको नेम देना चाहते हैं तो यहाँ से लॉन्गर चेन सेलेक्ट करके 1, 2, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिएगा तो ये 3 बन जाएगी, ये 4 बन जाएगी, और यहाँ पे ये 5 बन जाएगी। तो क्या है कि 2 पे मिथाइल है। अब अल्फाबेटिकल क्योंकि हाइड्रोक्सी भी है हमारे पास यहाँ पे, ये OH अल्कोहल वाला और मिथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकली H पहले आ जाएगा, तो इसलिए 3 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन हमारे पास 5, जो पेंटेन हो गया, साथ में E हटा के Al लगा दी क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें एसीटोन की, एसीटोन में देखें अब ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है कीटोन में, और इसके साथ जो कार्बन अटैच होंगे वो क्या होंगे, अल्फा। अब ये दो कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली, तो ये वाली भी अल्फा है, ये वाली भी अल्फा है, तो इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, यानी कि ये अल्फा हाइड्रोजन, इसमें टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन दे सकते, कौन सा, अल्डोल कंडेंसेशन। तो अगेन वही उसी हिसाब का लिखा हमने, एक CH3, अब ये जो CH3 है इसको हमने यहाँ पे ये नीचे लिख दिया, और दूसरा जो होगा उसमें हमने क्या किया, अल्फा को, एक अल्फा जो होगा उसको CH3CH लिख दिया, और एक अल्फा हाइड्रोजन को हमने अलग करके लिख दिया। अगेन क्या होगा, ये वाला जो होगा ये यहाँ पे इस तरफ मूव कर जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस तरह जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली जो कार्बन है ये इसके साथ जुड़ जाएगी। यही हो रहा है यहाँ पे, देखिए CH3 एज इट इज CH, और नीचे देखिए CH3 वैसे लिख दिया, OH, जब C डबल बॉन्ड हो जो था वो OH में कन्वर्ट हो गया, C जो है उसके साथ ये वाला CH2 लग गया। बाकी ये पूरे का पूरा देखें और इस वाले को देखें, सेम वही वाला है। अच्छा अब नेक्स्ट हमने देखना है कि अल्डोल है या नहीं, देखें ये अल्डोल अल्कोहल है और ये कीटोन है पूरा, तो लेकिन ये है तो कीटोन एक फंक्शन ग्रुप, लेकिन अल्डोल के अंदर जो कीटोन है उसको भी कंसिडर किया जाता है कि ये एल्ड है, एल्ड है, एल्डिहाइड है, क्योंकि ये दोनों इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसलिए हम इसको भी अल्डोल कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको नहीं कहा जाता, लेकिन कैटेगरी में इसी में ही इसको डील किया जाता है, इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी सेम आ रही है। अच्छा जी नेक्स्ट अगर हम इस बात को समझें इसके नाम को, तो अगेन लॉन्गर चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोनाइल आ जाए, तो ये हमारे पास है लॉन्गर चेन, और इसमें अगर नंबरिंग करें तो जहां से कार्बोनाइल को छोटा नंबर मिले, 1, 2, इधर से करेंगे 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 हो गया, और यहाँ पे ये 5 हो गया। अच्छा जी तो क्या है, 4 पोजीशन पे हमारे पास ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, और 2 के ऊपर कार्बोनाइल है, तो 2 पेंटानोन, पेंटेन है 5 कार्बन, और ओन, ओन का मतलब क्या है कि ये कीटोन है, ठीक है जी। आई होप आपको ये बात समझ आई है। अब लास्ट में जो यहाँ पे ये थोड़ी कैटेगरी, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा जी यहाँ पे जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है कि ये जो एल्डोल बने हैं, हमने ये डिफरेंट स्टेप्स में ये पढ़े हैं,
तो ये अल्डोल जो है ये क्या करते हैं, अगर हम इनको हीट करें तो हीट करने से क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को जब लूज करते हैं तो क्या होता है जरा देखते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि डाइल्यूट HCl यानी कोई सा एसिड डाइल्यूट हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अल्डोल कंपाउंड रेडिली लूजेस वाटर ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे? अब ये देखिए, ये एक अल्डोल है, ये हमने वेरी फर्स्ट रिएक्शन में जो हमने पढ़ा है ना, ये वाला ये हमारा अल्डोल बना था। इसको मैंने 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है ये मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये OH है और यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O के साथ वाली कार्बन है यानी कि अल्फा कार्बन जो है इसके साथ भी ये हाइड्रोजन अटैच है। इसको मैं अगर यहाँ पे रख दूँ ये CH2 को ये खत्म कर दूँ तो अब क्या होगा, ये OH और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये दोनों निकल जाएंगे। और जब ये दोनों निकलेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड, इसका भी बॉन्ड था, इसका भी इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और ये इस, समझ आ रही है ना बॉन्ड, तो OH वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और साथ में ये इस तरह का बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया। अब हुआ क्या, जरा देखिए, ये कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप है मेन, तो ये वाली कार्बन क्या होगी अल्फा, ये क्या हो गई बीटा और ये गामा वगैरह हम जो पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अल्फा और बीटा, इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, या इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी हो सकते। ये जो है बेसिकली यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म बहुत ईजी है, आपके माइंड में होना चाहिए। पहले स्टेप में क्या होगा, जो NaOH यूज करते हैं हम लोग ना, NaOH अल्कली, अल्कली की बात की थी ना, कोई भी अल्कली हो, जैसे हमारे सारे रिएक्शन में पहले जो था NaOH यूज हो रही थी। अब OH जो है ये क्या करता है, एज ए बेस एक्ट करता है और एक जो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है उसका क्या करता है, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देता है। कैसे, जरा ये OH था, इसने ये अल्फा हाइड्रोजन थी ना, अल्फा कार्बन थी इसके साथ जो हाइड्रोजन है, इसको क्या किया उसने रिमूव कर लिया, खींच लिया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसको ये क्या करेगा, खींचेगा और ये बॉन्ड बना लेगा वाटर, इस तरह से वाटर बन जाएगा। और जी यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये जैसे एरो के जरिए शो भी कराया गया। तो ये जो इधर जाएगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ पे शो। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब बेसिकली क्या हुआ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो कार्बन और नेगेटिव मीन एनाइन, तो कार्बन क्या बन गया एनाइन, तो इसे कहते हैं कार्बेनाइन। तो फर्स्ट स्टेप का नाम जो है वो क्या हमने दिया है, कार्बेनाइन फॉर्मेशन। कार्बेनाइन फॉर्म द हाइड्रोक्साइड आइन एक्ट एज ए बेस। अब इस बात को समझेगा, जब हाइड्रोक्साइड आइन यानी कि OH अगर कार्बन के ऊपर अटैक करता तो ये होता न्यूक्लियोफाइल, क्या होता न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल या ये जो OH है ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये कहलाएगा बेस। तो इसने अब बेस के तौर पर अटैक किया क्योंकि इसने कार्बन पे नहीं अटैक किया बल्कि हाइड्रोजन पे अटैक किया, इसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोक्साइड, सॉरी बेस के तौर पर रिएक्ट आइन, हाइड्रोक्साइड आइन एक्ट कर रहा है। और जब ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बेनाइन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो जो कार्बेनाइन बनी है वो दूसरा जो एथेनॉल है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो कार्बेनाइन का CH2 है, ये जो दूसरी एथेनॉल है इसका जो पार्शियल, देखें कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, इसके में देखेंगे तो कार्बन जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो होता क्या है कि ये जो CH2 नेगेटिव यानी कि कार्बेनाइन है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है और इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। जब ये अटैक करता है तो सी डबल बॉन्ड ओ का जो ये सिंगल एक बॉन्ड जो है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ क्या हुआ, जब ये ऊपर हुआ तो ये वाला रिएक्शन हुआ, यानी कि जब ये CH2 इसके साथ जुड़ गया तो ये बॉन्ड बन गया, तो CH3CH फिर CH2 सी डबल बॉन्ड OH, इस एज इट इज ये वाला जो है ना वो यहाँ पे लिखा गया। और ये क्या हुआ, ये जो बॉन्ड ट्रांसफर हुआ तो वहां पे कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिएगा जरा, ये अल्केन है यानी कि अल्काइल ग्रुप है सारा मेन, अल्केन से अल्काइल है और उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच है तो वो ऑक्साइड आइन हो गया। तो इस पूरे कंपाउंड को कहते हैं अल्क ऑक्साइड आयन, क्या कहते हैं अल्क ऑक्साइड आयन। होता क्या है, द कार्बोनाइन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन, ये वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक है
इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ऑफ अनचेंज सेकेंड मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो दूसरा मॉलिक्यूल था, टू फॉर्म एन अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन बन गया। इसलिए सेकेंड स्टेप का नाम क्या है? अल्कोक्साइड आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो अल्कोक्साइड सेकेंड स्टेप में बना था, इसने वो जो फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बना था, ये जो फर्स्ट स्टेप में अटैक हुआ था, वो वापस आता है और उससे क्या करता है? हाइड्रोजन वापस, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कहता है वापस दे दो, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसको स्टेबल होना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? वो हाइड्रोजन गेन कर लेगा और ये OH बन गया। और क्या हुआ? अगेन ये जो OH नेगेटिव चार्ज वापस इसके ऊपर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास OH यूज हुआ था, वो अगेन हमने वापस हासिल कर लिया। तो अब ऐसी स्पीशीज जो कि हमें रिएक्शन के स्टार्ट में तो यूज हो, लेकिन रिएक्शन के एंड में वापस मिल जाए, उसे कहते होते हैं हम कैटलिस्ट। तो कहते हैं द बेसिक कैटलिस्ट हाइड्रोक्साइड आयन इज रीजनरेट, यहाँ पे वापस हासिल। समझ आ रही है ना बात की? तो इससे क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से हमें कंज्यूम हो गया, तो ये जो हमारे पास क्या बन गया? अल्डोल। आई होप आपको बात समझ आई है। अब ये तो मैंने एक रिएक्शन पढ़ाया जो कि है हमारे पास एथेनॉल का, ये रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म पढ़ा। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि इनका रिएक्शन मैकेनिज्म लिखो, तो वो अब आपकी असाइनमेंट है। इस रिएक्शन का भी है और इस रिएक्शन का भी है, तो ये अब आपकी असाइनमेंट है। अल्लाह हाफिज़।